तो फाइनली हम वहाँ से निकले थे, आप लोगों को बताया था हम एक जगह पे जा रहे हैं, एक जगह पे हम आ गए हैं। ये देखो ये अवेश भाई, अवेश भाई कहाँ पर आए हो? मैं आया हूँ नागर, नागर मार्केट में आया हूँ, यहाँ पे लेने आया हूँ गीजर। तो ये मेरी दोस्त की दुकान है, एक दफा दोस्त को दिखाओ। ये देखो ये माशाल्लाह ये मॉडर्न गैस वर्क्स। हाँ बाकी अंदर दिखा दो क्या 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 नहीं है और मैं क्या लेने वाला हूँ, क्या बाकी। ये देखें पूरी शॉप आपको यहाँ से नजर आएगी माशाल्लाह से। अब यहाँ अवेश भाई सर्दी आ गई है, गीजर लेने के लिए आया। पानी पानी ठंडा होता है ना यार, गर्म और ये बर्दाश्त भी करता ठंडा पानी, नहाएगा नहीं वरना ये नहाएगा नहीं, गीजर नहीं लेंगे नहाएगा नहीं, इसके लिए गीजर लेने के लिए है। आपको अंदर दिखाते होता है क्या रणवीर भाई? हाँ। तो कौन सा गीजर लेना चाहिए मेरे को? यार अपने साइज का ही लेना है, नहीं नहाना है सिर्फ सर्दियों में, तुम ये गर्म करके नहाते हो। तो बाकी गीजर देखते कौन सा लेते कौन सा नहीं, और बाकी भाई की दुकान में बहुत सारी चीजें बहुत वैरायटी है, तो मैं आपको दिखा दे देता हूँ। पहले ये छोटा का क्लिप देखो, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो बात ऐसी है, आप लोग ने क्लिप तो देख लिया, क्लिप दिखाने का मकसद ये था क्योंकि यहाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं आप लोग ने देख लिया। बाकी जिसकी शॉप पे आया हूँ ना, वो बहुत अच्छा भाई है मेरा, तो बस दिल कर रहा था गीजर का, मैंने कहा गीजर भी ले लेते हैं, भाई की शॉप भी विजिट करवा देते हैं, हमारा भी काम हो जाएगा, भाई का भी काम हो जाएगा। अभी जो कुछ भी है भाई बताएगा, ज़्यादा मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अपनी तरफ से आप लोग को बता दे रहा हूँ, तो भाई बताएगा। 3, 2, 1 पिल्ले भाई, दिल्ली का रहा था तुम्हारा, ठंड से ठंड लग रही थी तुम इसलिए आया यार। असल में ठंड पता है क्यों लग रही थी? क्योंकि एक हफ्ते से मैं लाया ही नहीं हूँ। अच्छा हाँ, एक हफ्ते से लाया नहीं, लाया नहीं अभी गीजर लेना पड़ेगा। बाकी बात ऐसी है, एक मिनट यार, एक मिनट नहीं एक मिनट, बात ऐसी है तो मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये भाई है। तो भाई जान बताओ ये क्या रेट है? वो मिल जाएगा, वो इस तरह का चाहिए, खाली चाहिए, हल्के रेट बता दे, हल्के के रेट बता दे, डिस्काउंट के साथ जो कस्टमर है हमारे नाम पे अपने का नाम ले। तो नाम ऐसे ही वो नहीं, अगर यहाँ पे आए सही है नागन चौरंगी, मैंने दो दफा बोल तो दिया, ये एड्रेस कौन सी जगह पे, बाकी नंबर 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 आपको यूपी मोड है, ठीक है? कौन सा मोड है? यूपी मोड ही है ये, यूपी लेवल एस, सेक्टर 11S कहलाता है ये जी। मॉडर्न गीजर के नाम से हमारी शॉप है, हमारा वर्कशॉप है, हम उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और गीजर भी देते हैं। नहीं तो आप लोग ने देख लिया तो किस जगह पे है किस जगह पे नहीं, और बाकी मैं आप अपने ब्लॉग के नीचे मेंशन कर दूंगा एड्रेस भी और भाई का नंबर भी, भाई खुद भी नंबर बता देगा, तो भाई से रब्ता करो। वैसे सर्दियां आ गई है, गीजर की बहुत जरूरत है, ठीक है? और बाकी तैयार किए जाते हैं, देखो ये गीजर साइज के हिसाब से, सारे गीजर के साथ चादर के साथ में देखा ना भाई, ये चादर होती है। असल में मसला ये कि मेन चादरों का साथ होता है, ये हल्की भारी चादर का, कि हल्की चादर में है ये भारी चादर में, इसके रेट कम भी होते हैं ज्यादा भी होते हैं। ये 20,000 रुपए का भी गीजर है, 25,000 रुपए का भी गीजर है, 35,000 रुपए का भी गीजर है। अब इसे बोरिंग का पानी या खारा पानी है तो उनके लिए जो है वो भारी चादर में बनाया जाता है। तो मकसद ये भाई का कहने का, आप ऑर्डर पे भी बना सकते हो। तो मैं तो यही कहूँगा जिसको गीजर चाहिए हो कुछ भी चाहिए हो, क्योंकि 2 से 3 घंटे मैं शॉप पे हुआ करूँगा, अगर मेरे से भी मुलाकात हो भाई की आप लोग की, बाकी यहाँ पे आओ मेरा नाम लो, अगर मैं नहीं हुआ मेरा नाम लो, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, बाकी मेरे से मुलाकात भी होती रहेगी यहाँ पे, मेरा बहुत अच्छा भाई है। बाकी चूल्हे भी है, हाँ बाकी चूल्हे वगैरह भी है, तो बाकी मैं बताता हूँ, मैं आपको चूल्हे वगैरह दिखा देता हूँ, आप वो देखे तो उसके बाद व्लॉग को एंड करते, फिर भाई का जो नंबर है जो पेज है मैं बताता हूँ, तो ज्यादा ही लंबा हो रहा है व्लॉग, आप देखते रहो। तो मैंने आप लोग को बताया था चूल्हे भी है भाई के पास, भाई तो ये देखो ये चूल्हे तो देख सकते हो, ये बड़ा VIP सिस्टम रखा हुआ है भाई ने भाई। तो मैं तो यही कहूँगा यहाँ पे आओ जितना हो सके विजिट करो, बाकी भाई के पास ये भी है तो देख सकते हो माशाल्लाह से। यार इससे घर की बिजली भी चलेगी क्या? गैस ये गैस की रोटेटिंग हो रही है ना आजकल। अच्छा अच्छा, बिजली चलेगी, बिजली चलेगी, इससे चलेगी इसका, बिजली चलेगी, बिजली से मतलब ये गीजर चलेगा।
अच्छा दिखाओ, बिजली से गीजर चलेगा यार गैस। अगर आप क्या गैस नहीं आ रही ना, गैस की लोडिंग हो रही है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन भी बना दिया। ये तो बहुत अच्छा काम किया है यार। बाकी 3-2-1 प्ले हो गया यहाँ तो भाई, लवी हो गया। बड़ी VIP चीजें रखी हुई है भाई ने, अनस भाई ने। तो बोल तो देखते रहो, जुड़े रहो अनस भाई से, बोल मुलाकात करवा दो। अनस भाई अपने पेज का नाम भी बताएंगे, नंबर भी बताएंगे, तफसील से बताएंगे। बाकी मैंने आपको पूरा शोज दिखा दिया है, देखते रहना। तो जो भी है भाई से कांटेक्ट करना, मेरे से भी मुलाकात होती रहेगी आप लोग के शॉप पे। रवि हो तो यार यहाँ पर तो सब सहूलतें मौजूद है, ये वॉशरूम का भी गीजर मौजूद है यहाँ पर। असल में बात ऐसी है, क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था, सेल ने मेरे को बोला था मशीन का। अच्छा, तो सेल के लिए मैं मशीन भी ले रहा हूँ, तो अपने लिए तो मैंने गीजर ले लिया। मैं दिखाता हूँ गीजर कौन सा लिया है। अच्छा, तो सेल के लिए मशीन भी ले लेता हूँ। अच्छा, मशीनें भी है, सारे घर की चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। और ये सबसे बेहतरीन चीज ये वॉशरूम का भी गीजर है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारी यहाँ पे चीजें, गीजर भी है, मशीन भी है, ये वॉशरूम पे गीजर लगता है, बाकी चूल्हे भी है। तो बहुत कुछ दिखा दिया आप लोग को, आप लोग ने क्लिप भी बड़ा देखा होगा। बाकी 3-2-1 प्ले हो गया, मैंने कौन सा गीजर लिया है कौन सा नहीं। एक बार प्ले सही बोल दो यार। 3-2-1 ये चीज़ अभी हो गया। बाकी दिखाते मेरे कौन सा गिर लिया कौन सा नहीं, फिर भाई का पेज भी बता दे, नंबर भी बता दे, कांटेक्ट करो। बाकी मेरे से भी मुलाकात होती रहेगी, मैं 3 दफा बोल चुका हूँ, बोलते हो मिलना है। अभी आप लोग को मौका मिल सकते हो मेरे से भी। लव यू। तो अवेश भाई खरीद लिया? मैंने खरीद लिया है। मैंने क्या खरीदा बताओ? हाँ बताओ। ये गीजर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक वाला भाई, वाह भाई, मेरे को पसंद आया। तो भाई फोन की बात करने के, तो आप जरा अपना ये पेज का नाम, अपना नंबर बता दीजिए। मॉडर्न गीजर के नाम से फेसबुक पे पेज है मेरा, ठीक है। और मोबाइल नंबर है मेरा 03152458218, अनस मेरा नाम है, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, पेज का नाम भी आ रहा होगा। भाई से रब्ता करो, कॉन्टेक्ट करो, फजूल बंदे कॉन्टेक्ट नहीं करे। जिसको कुछ चाहिए हो तो वो करे, तो भाई मेहरबानी में हाथ धोलो, फजूल बंदे कॉल नहीं करे। तो ये अवेश भाई से मिलना है, कोई नहीं दम करना। बाकी मैं यही होगा, अगर तुम लोग कुछ चाहिए होगा तो ही कॉन्टेक्ट करना। बाकी मिलते आगे क्या होता है क्या नहीं, ब्लॉग के ऊपर आगे जाते हैं, फेल करते भाई ने नंबर भी बता दे सब कुछ। अभी मैं गीजर लेके घर जाऊंगा, अभी और भी काम है। अच्छा अच्छा, चलो अवेश भाई, चलो गीजर लेके तो घर जाओगे, नहाओगे सही? नहीं, अभी गीजर तो दिला दिया ना, ऐसा गीजर लेके जाऊंगा बाकी का। तो ब्लॉग आगे देखते हो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फाइनली हम अंदर आए जहाँ पर गीजर बनते हैं। अवेश भाई दिखाना सर, गीजर बनते हैं यहाँ पे। 3-2-1 प्ले हो गया, आपको दिखा के गीजर कहाँ बन गया। देखो ये, देखो ये भाई लगा हुआ गीजर बनाने, ये टांके लग रहे हैं गीजर पे, और ये ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं यहाँ पर गीजर। लगाओ जरा टांके, ये चीज, ये सारा इनका, ये पूरा ना, ये देखे सारा, ये आंखें खराब हो रही, आंखें जल रही है भाई ये देख के। उनका काम है ना, देखो वो भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपने देख लिया बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है भाइयों ने। तो जितना हो सके ऑर्डर करो, नंबर बताया, पेज का नाम बताया, कांटेक्ट करो। और आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? अच्छा, ये आप इसके सामने देख लें, बन रहे हैं आपके, ताकि उसमें आपको ट्रस्ट रहता है कि आप क्या चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप। हाँ वैसे ही, कहाँ पे आए वो? अरे यार, हर जगह कैमरा चालू कर देता है। गीजर लेने के लिए तो पिल्ले गीजर लेने आया होता तो वालदा ने बहुत कम किया होता। गीजर चाहिए तो मैंने तो गीजर ले लिया। बाकी यहाँ पे मैं गीजर लेने आया हूँ, बहुत अच्छा भाई है। तो जिसको भी गीजर चाहिए, चूल्हा चाहिए, तो मशीन चाहिए, तो मेरे से कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको एड्रेस लोकेशन बता दूंगा। और मेरे रिक्वेस्ट से यहाँ पे आओगे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मैं इतना भी बता दूँ। तो कॉन्टेक्ट करो, मैं आप लोग को बता दूँ कहाँ पे है कहाँ पे नहीं, तो मैं से कॉन्टेक्ट करो।